बीच ज्ञान की गंगा बहाए। कैमरा मैनों से अनुरोध है कि वो अब अपने स्थान पर पहुंचे। जय 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 जय। शुक्ला साहब के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, जेलर साहब के रूप में और पवित्र अधिकारियों के रूप में और कैदियों के रूप में, अनेक रूपों में सबके दिल में बसे हुए मेरे परमात्मा को मेरा प्रणाम है। जय जय। इस भूमि पे आते आते मैंने मेरे आश्रम के सेवाधारियों से पूछा कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, ये जेल है कि मंदिर है जयराम जी की। दुनिया के कई देशों में घूमा हूँ और भारत के कई जेलों में भी गया हूँ जयराम जी की। नाना करते भी आखिर जाना ही पड़ा है। जैसे आप लोग नहीं चाहते हुए भी जेल में आ जाते, ऐसे हम भी नहीं चाहते हुए भी जेलों में चले जाते हैं जयराम जी के। अभी बिहार के जेल में गया था, वहाँ के जेलर की श्रद्धा भक्ति देखकर समय के अभाव होने पर भी आखिर मेरे को जाना ही हुआ। और यहाँ के भोपाल के अधिकारियों ने भी कमाल कर दिया। शिविर चल रही है, देश भर से लोग आए हुए बैठे हैं और उनको छोड़कर आपके पास या आपके अधिकारी खींच कर लाए। अधिकारी है कि देवता है या भी जान लो, लेकिन है कुछ जयराम। वहाँ मंच पे लोग कोई मुझे हार पहनाते तो मैं उनका हार उन्हीं को दे देता हूँ, सेठों का, नेताओं का, लेकिन यहाँ के अधिकारियों का सारे हार मेरे अंतरात्मा ने स्वीकार कर लिए। जय जय। अब आपको मैं एक दो बात बताता हूँ कि मैं बिहार जेल में एक लालच से गया था। वहाँ के जेलर बहुत बार आए गए, आखिर उन्होंने मेरे को एक पवित्र लालच दी कि बापूजी 2100 कैदी उसमें 700 कैदी 302 वाले हैं और उसमें एक कैदी जिसने 7 मर्डर किए हैं और 100 मुकदमे उस पर चल रहे हैं। वो कहता कि टीवी वाले बाबा जी को एक बार यहाँ लाओ, मैं अपना जीवन बदलने का वचन देता हूँ। ऐसे 700 लोगों ने जीवन बदलने का वचन दिया है। मैं क्या, वो जीवन बदलते हैं तो फिर हम भी चाल बदलते हैं जयराम जी की। फिर हम मन को सीख नाम की पुस्तक ले गए। ये मेरे गुरु जी ध्यानस्थ थे और अपने खास शिष्य को पत्र लिखवाया और इस पत्र को हमने फिर पुस्तक के रूप में छपवाया। तो अभी ये पुस्तक हम लाए भी हैं और शुक्ला साहब और आपके साथियों को भी दिए हैं। ये आपके अधिकारी नाम तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ भी हो आदमी चुरा के ले जाने जैसे हैं। जय जय। बड़े नम्र हैं और आपके हित की इनको कितनी लगन है ये आप देख रहे हो। तो ये पुस्तक आप में हम बंटवाएंगे। लेडी मार्टन ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए मालवा छावनी में शिवजी की आराधना की और उसका पति अफगानिस्तान के पठानों के बीच घिरा हुआ था और वहाँ शिवजी प्रकट हुए और शिवजी ने कहा कि तेरी स्त्री अपने सुहाग की भीख मांग रही है, इसलिए मैं तेरी रक्षा करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ। वो पुस्तक भी आपके बीच बटेगी और यौवन सुरक्षा नाम की पुस्तक भी आपके बीच बटेगी और दूसरी भी एक आदि पुस्तक है नशे से सावधान, ये पुस्तक भी आपके बीच बटेगी। आप कृपा करके इस पुस्तक को
मैं तो इसको जेल नहीं बोलता हूँ, ये तो तुम्हारे लिए तपस्या स्थली है। जय राम जी की। तो इस तपस्या स्थली में 5 बार इस पुस्तकों को एक दूसरे को ले देके अदल बदल के 5 बार आप जरूर पढ़ने की कृपा करना। ज़्यादा देर हम सत्संग में आपके साथ नहीं होंगे, तो ये किताबें सत्संग की है, मेरे गुरुदेव के उपदेश है, और नशे से सावधान मन को सीख नाम की ये करीब 1500-2000 पुस्तकें हैं, आप बांट लेना बंटवा लेना। अब एक 2-3 बातें आप ध्यान में रखेंगे। कि आप आज से ये नहीं सोचेंगे कि हम जेल में हैं, हम तपस्या स्थली में हैं, ये सोचेंगे। भाव बदलने से कर्म बदल जाते हैं। और मैंने यहाँ की एक सुंदर ऐसी व्यवस्था देखी कि जो ऊपर बोर्ड सबका भला, सत्यम शिवम सुंदरम, ये यहाँ का तो सच पूछो तो मेरी लालच होती कि अगर मुझे जेल में रखते तो मैं 1-2 महीना यहाँ रहना चाहता हूँ, ऐसा सुंदर वातावरण है। हमारे आश्रमों में तो भीड़ मुझे पैर पकड़ती है, रखते हैं यहाँ कहीं एकांत कोठरी मिल जाए ऐसी लालच भी होती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अब हमारा जयराम जी बोलना किसी मत पंथ या पार्टी या मजहब का नहीं है। जो रोम रोम में रम रहा है उस चैतन्य का नाम राम है। सेफिया कॉलेज में मैंने सत्संग किया, वहाँ मुसलमान और बोरे बच्चे थे, तो मुझे प्रिंसिपल ने बताया कि बापूजी ये जयराम जी बोलने में आपका साथ नहीं देते, आप माफ़ करना। मैं क्या, कोई बात नहीं। फिर मैंने बच्चों को समझाया कि शाह हाफिज हो, चाहे मौलाना जलालुद्दीन रूमी हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे रैहाना तैयब हो, किसी ने ये नहीं कहा कि हम जड़ हैं। सब ने ये महसूस किया कि हम चैतन्य हैं, और जो रोम रोम में रम रहा है चैतन्य उसको राम बोलते, तो जयराम जी बोलना पड़ेगा। और सब मुसलमान बच्चे इतना प्रेम से जयराम जी बोलते थे कि आज तक मुझे याद है। तो आप भी जयराम जी बुलवाते रहना, जयराम जी की। अभी डॉक्टर लिविर लिजरिया कहता है कि राम शब्द उच्चारण करने से आंतों का विष बाहर आ जाता है। राम शब्द उच्चारण करने से सूक्ष्म शरीर में राम के रकार से अग्नि तत्व और मकार से चंद्र तत्व, सूर्य तत्व और चंद्र तत्व डेवलप होता है। हरि शब्द उच्चारण करने से लीवर को फायदा होता है। अभी डॉक्टर लिविर लिजरिया बोलता है हरि शब्द उच्चारण ने किडनी को फायदा होता है, गर्भाशय को फायदा होता है। डॉक्टर लिविर लिजरिया ने 17 वर्ष परिश्रम करके ये घोषणा की। मैडम लोंगो ने, मिस्टर वॉटसक ने और डॉक्टर डायमंड ने कहा कि डिस्को डांस करने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है, इंडियन सिस्टम से कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। अभी विज्ञानी जिसकी प्रशंसा करते हैं उस मंत्र के विषय में तो हमारे ऋषियों ने सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष शास्त्रों ने कहा पहले। हमारे 5 शरीर होते हैं। वो लोग तो अभी एक शरीर की बात करते कि आप हरी हरी बोलते हो तो लीवर को किडनी को फायदा होता है, लेकिन आपके 5 शरीर हैं। एक ये शरीर है जिसको फिजिकल बॉडी कहते हैं, स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अंदर दूसरा शरीर है प्राणमय शरीर। अगर प्राणमय शरीर निकल जाता है तो स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। उसके अंदर मनोमय शरीर है। मनोमय शरीर सो जाता है तो प्राण चल रहे और आपका स्थूल शरीर पड़ा है, फिर भी मुंह में कोई लड्डू या रसगुल्ला डाले तो स्वाद नहीं आएगा क्योंकि मनोमय शरीर सोया हुआ है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं सब भाई पीछे के साहब लोग तो समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं पीछे। तो आपके अंदर ये स्थूल शरीर के अंदर प्राणमय शरीर है, प्राणमय शरीर के अंदर मनोमय शरीर है, मनोमय शरीर के अंदर एक विज्ञानमय शरीर है, विज्ञानमय शरीर के अंदर आनंदमय शरीर, और उसके अंदर आपका चैतन्य आत्मा है, परमात्मा का सनातन अंश। ये बात सुनने मात्र से हजारों यज्ञ करने का फल होता है। इसको सुनकर अगर ध्यानस्थ हो जाते हो
तो आपकी ये जेल तो कटती रहती है, लेकिन दो जेलें और भी कट जाती है। आप अकेले जेल में नहीं है, सारा संसार जेल भोग के आया है और इसमें करोड़ों करोड़ लोग जेल में जाने वाले बाहर घूम रहे हैं। आप बोलोगे बाबा जी ये कैसे है? एक जेल होता है माता का गर्भवास, उससे तो हम सबको आना पड़ता है, चाहे बाबा हो, चाहे राजा हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे आप हो। 9 महीना 13 दिन 15 दिन माता के गर्भ में रहना ये कोई छोटा जेल नहीं है। इन जेलों से भी निकलने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, बार बार जन्मना और बार बार मरना। दूसरा होता है कि यहाँ कर करा के ले दे के छूट गए, लेकिन नारकों के जेल में बाद में जाना पड़ता है। और तीसरा जेल ये है सामाजिक व्यवस्था में, कोई किसी की कैसे भी गलती हुई और कायदे के अनुसार आप यहाँ आए, अपने मन को नियंत्रण करने का आपको अवसर मिला। तो मैं तो ये चाहूंगा कि इस जेल में आपका शरीर है, लेकिन मन आपका उस ईश्वर के अल्लाह के चिंतन में लग जाए, ताकि दोबारा माताओं के गर्भ का जेल न मिले और दोजक अथवा नरक का जेल न मिले। इस जेल को आप तपस्थली बना दे, ताकि वो दोनों जेलों से आपकी सदा के लिए छुट्टी हो जाए। बजाओ तो होलसेल में, सुकड़ के मत बजाओ, होलसेल में बजा लो एक ताली। कोई बात नहीं, अब मैं 2-3 प्रयोग आपको बताऊंगा। जैसे डायनामो घूमने से मुझे यहाँ के जेलर साहब पर, कहाँ गए जेलर साहब, नाज है कि नाना करते हुए आखिर मेरी ना को हाँ में बदलने की इनकी युक्ति के बापू और कुछ नहीं, खाली 1 मिनट के लिए आ जाना, 1 मिनट के लिए। मैं कहीं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोलते, परमार्थ के लिए कह रहे 1 मिनट, और मुझे पता था कि 1 मिनट कैसा होगा। लेकिन हमने देखा कि ये जेलर साहब और उनके जो साहब हैं, बड़े लोग हैं, शुक्ला साहब और लोग, जज साहब या और लोग, ये सारे के सारे एक दूसरे से ऐसे मिले हैं कि कुछ भी करके बाबा को लाओ। मेरे मन में उस समय ऐसा हुआ, आप लोगों की सहमति थी। हाँ, तो ये आपके अधिकारी और जेलर साहब और ये आपके और बड़े साहब अधिकारी सचमुच में धरती के देवता है, जो परहित के लिए, दूसरे के मंगल के लिए कुछ करते और सोचते हैं, उनको शास्त्रों ने देवता कहा। स्वर्ग के देवता तो पुण्य कर्म भोग कर नीचे आते, लेकिन दूसरे धरती के देवता दूसरों की और अपनी भलाई के शुभ कर्म करके मनुष्य लोक को स्वर्ग लोक से भी पार ईश्वरीय सुख में ले जाते, वो धरती के देवता होते हैं। हम शंकर कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्तत, यत्र स्यात् गुरु भक्त। उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदयों में गुरुओं का ज्ञान और भगवान की भक्ति है। तो अब मैं आपको 1-2 प्रयोग बताना चाहता हूँ, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपके मन में जो पहले दोष थे वे बिल्कुल निकल जाएंगे, नाबूद हो जाएंगे, बिल्कुल पक्की बात है। और आप जब अपने कुल खानदान में, कुटुंब में जाओगे, तो वो लोग महसूस करेंगे कि ये कुछ ऐसा तोहफा ले आए जो हमारी 7 पीढ़ी तर जाए। मैं ऐसी बात आपको बताऊंगा, हजारों हजारों लोग मेहमान बाहर बैठे खड़े हमारे आश्रम में, उन सब को थाम के रोक के आपके पास आया हूँ, 1 मिनट के बहाने आया हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी में लेकिन सार बात बताना चाहता हूँ। बोलने को, कार्यक्रम करने को तो हम 3 घंटे
आपको उठने नहीं दे, ऐसा है भगवत कृपा, लेकिन मेरे पास इतना समय भी नहीं और वहां जाना है। एकदम सार बात कि जैसे डायनामो घूमता है तो ऊर्जा बनती है, शक्ति बनती है, ऐसे ही देव का नाम लेने से, रिपीट करने से आध्यात्मिक आभा बनती है, ओरा बनती है। जो तमस और रजोगुण को हटाकर जीव में सद्गुण की अभिवृद्धि करती है और उस प्रयोग करने के बाद जैसे सिपाही बॉर्डर पर हाथ ऊपर करते तो दूसरे सिपाही की शरण में जाते हैं, हाथ ऊपर कर ले तो हार मान ली उसने, फिर उसको मारा नहीं जाता, उसको शरण दी जाती। ऐसे ही भक्त जब ईश्वर का नाम लेते 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 हाथ ऊपर करता तो मन और प्राण ऊपर आता और भगवान की शरण स्वीकार होती है, तो उसके दोष पाप माफ हो जाते, तो गर्भों की जेल भी माफ हो जाएगी और नरकों की जेल भी माफ हो जाएगी, और इस जेल में तो तपस्या हो रही है आपकी। जयराम जी बोलना पड़ेगा आपको। मुगला डाकू अंग्रेज शासन 1942 की घटना है। अंग्रेज शासन में मुगला डाकू को पकड़ने के लिए सरकार ने लाखों रुपए इनाम की घोषणा की थी। पानीपत में मुगला डाकू ने पानीपत लूटने की जाल बिछा दी थी, नेटवर्क था उसका, लोग सत्संग में थे। मुगला डाकू ने देखा कि चलो देखें ये बाबा लोग क्या बोलते हैं और कौन कौन सेठ बाबा के यहाँ बैठे हैं। अब तो पूरे गांव को घेरा लगा दिया हमारे आदमियों ने। मुगला डाकू वहां जाकर बैठा और सत्संग में चल रहा था कि अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे यहाँ छूट भी जाए तो वहां भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए। भगवान राम ने बाली को छुपकर बाण मारा था क्योंकि उसको वरदान था कि जो सामने आएगा आदि शक्ति उसकी उसके पास आ जाएगी, इसलिए राम के लिए छुप के बाण मारना जरूरी था। तो वही राम जब कृष्ण अवतार में हुए तो बाली शिकारी बना और कृष्ण के पैर में तीर मारा, बदला चुकाया। कर्म ऐसे हैं। सदन भगवान का भगत था लेकिन अगले जन्म में कसाई किसी गाय के पीछे पड़ा और सदन तपस्वी था, गाय को गले में पंजा डालकर रोका, कसाई को गाय दिया और कसाई ने गाय काटी। वही गाय दूसरे जन्म में जगन्नाथपुरी के रास्ते किसी गांव में स्त्री हुई और उसका पति वो जो कसाई था, सदन वहां से यात्रा करने गया और वो भाई उसके गले पड़ी और उसके हाथ कटवा दिए। सदन चिल्लाया कि भगवान मैंने तो इस भाई की छेड़खानी नहीं की और फिर भी राजा ने मेरे हाथ कटवा दिए, मैं तुम्हारा भक्त और प्रताप रुद्र या राजा को तुमने स्वप्न दिया कि सदन आ रहा है उसके हाथ कटे हुए, उसको तुम मदद करो। जब राजा को तुम स्वप्न देकर मेरी सेवा कराते हो तो मेरे हाथ, मैंने इस जन्म में कोई ऐसा अपराध नहीं किया, मेरे हाथ निर्दोष आदमी के हाथ क्यों कटवाए। भाई ऐसे ही गले पड़ गई और राजा ने हाथ कटवा दिए मेरे। ऐसा करके सदन ने भगवान जगन्नाथ जी को लाहना दिया, आंखें बंद हो गई और ध्यान में दिख रहा कि अगले जन्म की गाय को पंजों से जो तूने पकड़कर कसाई के हवाले करके कटवाया था उसी गाय ने महिला बनकर तेरे हाथ कटवाए हैं, लेकिन भक्ति का फल ये है कि अभी तेरे हाथ जल्दी से ठीक हो जाएंगे और वो जेल और ये जेल दोनों तेरे लिए माफ हो गई। तो कर्म का बदला साधु को भी भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह बाणों की सया पे पड़े थे और कृष्ण को पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि मुझे बाणों की सया पर सोना पड़ता है, और मैंने ध्यान करके देखा कि इस जन्म मैंने ऐसा कोई क्रूर कर्म नहीं किया, अगले जन्म में भी नहीं किया, और ध्यान करके मैंने 72 जन्म रिवर्स ध्यान किया तो प्रभु मैं ही इतना दुख भोग रहा हूं। भगवान ने कहा आज से 73वें जन्म में तुम जंगल में गए थे और आकड़े के पेड़ पर जो तीड़ होते हैं हरे हरे पंखों वाले उसको पकड़ के
तूने बावल के शूल भोंके थे, वही 73 जन्म के बाद तुझे कर्म का फल चखाने के लिए ये बाण बनकर आए। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो मैं तो आपको भागशाली मानता हूं कि नरकों में न भोगना पड़े और यहां की सरकार की ऐसी मंदिर वाली व्यवस्था में आप अपने कर्मों का फल भोग भी रहे और नए कर्म ऐसे बनाए कि भगवान के धाम में जाए, ऐसे आपके पास पुस्तक भी आएंगे और एक दो प्रयोग भी आएगा। मुगला डाकू ने जब ये कर्म की गति सुनी तो उसका शरीर कांपा। वो सत्संग के बाद बाबा जी कहां रहते जांच कर लिया और रात्रि का समय हुआ, बाबा जी का दरवाजा खटखटाया। बाबा जी ने कहा कौन? बोले मैं मुगला डाकू। बाबा जी ने बोला भाई मेरे झोंपड़े में कुछ नहीं, तू इधर कैसे? तेरे को पकड़ने के लिए तो सरकार ने इनाम घोषित किया है, तू इधर कैसे? तो उस जमाने के अंग्रेज शासक, बहन जी आप बाहर पधारेंगे थोड़ा, आप 2 मिनट। तो बोले भाई क्या है? बोले महाराज मैं आपका प्रवचन सुनकर अभी बड़ा अनर्थ करने जा रहा था, मैं रुक गया। अब मैं 2 रोटी खाना है और इतना पाप करूं तो अकेला, और भोगेंगे तो मौज तो सब करेंगे, सारे कुटुंब के लोग खाने में तो भागीदार, सजा भोगने में मेरे अकेला। महाराज आज से मैं ये डकैती के कर्म, ये हेरा फेरी के धंधे से मैं आज से हाथ में जल लेता हूं। महाराज ने कहा अच्छा तो चले जाओ, पेश हो जाओ थाने पे। जब थाने पे गए तो थानेदार बोलता है मुगला ठहरो। ओ आईजी साहब से मिले, आईजी साहब ने करनाल भेज दिया स्वयं ले जाके। वहां उस समय विशेष अदालत ऑफिस राजपाल को खबर दी गई। इस राजपाल ने कहा जब संत का सत्संग सुनकर मुगला अपने आप शरणागत हुआ तो जाओ तो ना हमारे पाप माफ किए जाते हैं, और बाबा जी बोले ऐसा नेक जीवन जियो, बस यही हमारा आशीर्वाद है, और मुगला डाकू एक नेक इंसान हो गया, इतिहास उसका साक्षी है। तो मैं यहाँ के अधिकारियों को फिर से धन्यवाद दूंगा कि तुम्हारी इस जेल में भी मंदिर का वातावरण और संत को कैसे भी करके ले आए कि तुम्हारा आने वाला कल सुंदर हो, सुहावना हो और मंगलकारी हो। उसके लिए एक आध प्रयोग, एक वचन आपसे लूंगा कि ये पुस्तक आप में बटेगी, इसको आप 5 बार पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी करके। ये 4 पुस्तक है, किसी को कुछ मिलेगा किसी को कुछ, आपस में अदल बदल के ये 4 पुस्तक है। इसमें कोई मत पंथ मजहब की बात नहीं है, मानवता के विकास की बात है। कई मुसलमान लोग बड़े आदर से पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं और सारे हिंदुस्तान के लोग परदेश के लोग पढ़ते हैं। मन को सीख, नशे से सावधान, यौवन सुरक्षा और योग यात्रा, इन 4 पुस्तकों को आप 5 बार इसी तपस्या स्थली में पूरी कर लेना। ये आप वचन देते हो तो मैं फिर टेक्निक सिखाता हूं बढ़िया, नहीं तो फिर मैं अभी राम राम करके जाने को तैयार हूं। पढ़ोगे 5 बार? पक्की बात? रखो मुझ पे हाथ। बस ठीक है। एक बात यह है कि सब्जी बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, चाय बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, कपड़ा बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, रुपया बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं। तुम्हारा दिल मत बिगाड़ना, दिल में दिल पर प्रभु खुदा खुद रहता है, इसलिए दिल को खुश रखना है। ठीक है? अब दिल को खुश कैसे रखें? अभी यहां रखना सीख लो, फिर घर में जाओगे तो घर के लोगों का भी दिल खुश रखने की अटकल आपको आ जाएगी। क्या करो कि जो भगवान का नाम पसंद है, अल्लाह वाले अल्लाह अल्लाह करो, राम वाले राम राम, हरि वाले हरि, पवित्र नाम रिपीट करो। रिपीट करते करते एक ऊर्जा बनेगी और ऊर्जा नीचे के केंद्रों में जो ऊर्जा उसको ऊपर लेकर तुम्हारे हृदय को शुद्ध करेगी और तुम्हारी बुरी आदतें छूट जाएगी। बिल्कुल पक्की बात है। हमारे ध्यान योग शिविर में चंबल की घाटी के लोग आते और सुधर जाते। चंबल की घाटी का आदमी आया, मैं क्या क्या काम करते हो? बोले बाबा जी
मैंने कभी चोरी नहीं की। तुम्हें क्या क्या करते हो? बोले मैं चंबल की घाटी पे काम करता हूँ। मैं क्या क्या काम करते हो? बोले हम चोरी नहीं करते हैं। मैं क्या क्या करते हो? बोले चंबल की घाटी में हम रहते हैं और हमारे आदमी रहते हैं, हम उधर काम करते हैं। तुम्हारी पुस्तक पढ़ी हुई है और फिर मेरा मन बदला में आया। एक बार हमारे आदमियों ने चैनल खोद दी और बस रुक गई बरातियों की बस, और हमारे आदमी लूट रहे थे और मैं रिवॉल्वर लेके खड़ा था। तो एक सरदार था, उसने कहा मेरी अटैची में नोट भरे सब ले लो लेकिन मेरे को मारना मत। लेकिन बाबा जी हमने उसकी अपने हाथों से मरम्मत की, क्योंकि ज्यादा माल देता और मुफ्त में क्यों ले। हमने ज्यादा पिटाई की, बाद में उसके पैसे लिए। ऐसे हम ईमानदार आदमी हैं। ऐसे ऐसे लोग, उसका नाम डालू राम था, ऐसे ऐसे लोग ये पुस्तक पढ़ के चंबल की घाटी का धंधा छोड़ दिया, दोस्तों को भी ईश्वर के रास्ते लगाया, खुद पत्थर तोड़कर का खाने के रास्ते चले गए। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। तो मैं फिर से अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा जो आपको घर बैठे तो क्या जेल बैठे सत्संग दिला रहे हैं। और सत्संग में एक प्रयोग आप कर लेना, अब भी कर सकते हैं। मैं अभी वहां करवा के आया शिविर में, आपके दिग्विजय सिंह भी आकर सत्संग में बैठते और दिल्ली के मिनिस्टर लोग भी आके बैठते, नरसिंह राव भी और दूसरे भी अभी जो भी है। सत्संग तो सब लोग स्नेह करते, चाहे फिर पुस्तक के द्वारा कैसेट के द्वारा करोड़ों लोग सत्संग का फायदा लेते हैं। लेकिन आप सत्संग के साथ साथ साधना का भी फायदा लें। माइक जैसा था वैसा रखो, एक प्रयोग का फायदा लो जिससे आपका मन बदल जाएगा, आपके रक्त के कण बदल जाएंगे। हाँ शुक्ला साहब क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया ना भाई? अधिकारी लोग, न्यायाधीश जी और सब सारे अधिकारी, क्या ख्याल है? हो जाए प्रयोग? हो जाए? आप लोग करोगे? पक्की बात? रखो मुझ पे हाथ। बोले बाबा जी नहीं आ रहे, घर की खेती है, रोज सुबह 9 से 10:30 के बीच बढ़ती है, फिर रोज करे कोई नहीं करे, लेकिन घर की खेती है। मैं हमारे साथ आयुर्वेदिक दवाखाने चलते हैं। मेरे वैद्य को बोला कि तू बड़े बड़े केस ठीक करता, तू इतना पतला डुबला। बोले मेरी जठराग्नि की खराबी है, कोई दवा से ठीक नहीं होती। मैं क्या रम रम रम, ये बीज मंत्र है अग्नि तत्व का, उसको जब ठीक हो जाएगा। उसने किया और उसकी बीमारी ठीक हो गई। जो हजारों को ठीक करता वो खुद बीमार था, दवाई से ठीक नहीं हुआ, इस मंत्र से ठीक हुआ। तो आपका शरीर 5 भूतों से बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो ये रम रम अग्नि तत्व को बढ़ाता है, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। हरी शब्द लीवर को, किडनी को, गर्भाशय को और 5 ज्ञानेंद्रियों को स्वस्थ रखता है। इस प्रकार ये मंत्र है। और अभी डॉक्टर लीवर लिजरिया ने यह भी कहा कि जो चोटी रखते थे तो हमारा मगज का आगे का हिस्सा ऑर्डर देता है और पीछे का हिस्सा सूचनाएं वातावरण में से और विचार लेता है। और चोटी क्यों रखते थे कि जैसे टीवी को एंटेना और एरियल मदद करता है वेव्स लेने में, ऐसे ही इस मस्तिष्क को चोटी के द्वारा मानो एंटेना का काम दिलाते थे और प्रकृति के रहस्य जानते थे। अभी विज्ञानी लोग भारत की संस्कृति की सराहना करते, डॉक्टर डायमंड लोंगो कई लोग। तो मैं आपको चोटी रखने का तो आदेश या आग्रह नहीं करता हूँ, लेकिन चोटी रखने वालों को जो फायदा हुआ वो फायदा आपको इस तपस्या स्थली में घर बैठे हो सकता है। करवा लूं प्रयोग? करोगे? वो प्रयोग करते समय मैं हाथ ऊपर करूंगा और मैं हंसूंगा, आप भी हंसोगे। फिर देखना, किसी को हंसी नहीं आती तो पड़ोसी जरा यूं कर देना। अब पहली बार अगर हंसी नहीं आए तो झूठ मूठ में हंसना, दूसरी बार असली हंसी आ जाएगी। लाफिंग क्लबों में हास्य सिखाया जाता है, लेकिन वो दैत्य दानव हास्य है। हु, 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 हु,
इसमें तीन खतरे हैं, हु हु हा हा करते करते कहीं हार्ट कमजोर है तो हार्ट हु हु हा हा हो सकता है। किसी का ऑपरेशन हुआ है और नया ऑपरेशन है और बोले चलो खुशियां मनाओ और हु 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 हा हा हा, तो टांके हु हु हा हा हो सकते हैं। कई लाफिंग क्लबों में मैडमें जाती है और अगर दो चार महीने का बालक है और हु हु हा हा, तो फिर गर्भ का भी हु हु हा हा हो सकता है। तो ये दैत्य दानव हास्य है, मैं तुमको देव मानव हास्य सिखाऊंगा। खतरा कोई नहीं और फायदा सबको, देव मानव हास्य। तीसरा हास्य होता है योगी योगेश्वर हास्य, जैसे कृष्ण ने बंसी का निमित्त ले लिया और निगाहों से शांति बरसा दी, गायें देखती रह गई, बछड़े दूध पीना भूल गए, गोपियां लिपण के हाथ करती देखती रह गई। ये तो किसी योगी और योगेश्वरों के पास शक्ति होती है, निगाह डाल दे, वो तो फिर कभी शिविर में आओगे तब देखा जाएगा। अभी वो हास्य तो उनको कभी कभी महसूस, आपको देव देव मानव हास्य, मानव शरीर और देवत्व जागृत हो, सात्विकता जागृत हो, ये प्रयोग कराता हूं। करोगे ना सब लोग, मूंछ पे हाथ रखा वे भी करेंगे और जिनके पास मूंछ नहीं आएगी वो देवियां भी सुन ले। राजा जनक की दरबार में गार्गी गई थी, गार्गी को देखकर पंडितों ने नाक सकोड़ा, बोले भो भो पंडितो हो, सुनो सुनो पंडितो नाक क्यों सकोड़ते हो। बोले तुम एक स्त्री हमारे पंडितों की सभा में आई, गार्गी ने मूंछ पे हाथ रखा, मैं स्त्री अबला नहीं, मैं तो सबला हूं, मेरा साधन और मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तुम्हारा तो साथ में अरस पर खुदा और स्वर्ग में तुम्हारा या वैकुंठ में भगवान, मेरा भगवान मेरे दिल में है, मैं मर्द हूं, मैं सबला हूं, तुम अबला। गार्गी ने जनक की दरबार में मूंछ पे हाथ रखा था तो तुम सत्संग की दरबार में नहीं रखोगे क्या? तुम भी रखोगे मूंछ पे हाथ, जरूर ये प्रयोग करेंगे, जयराम जी की, बच्चे बच्चों का करवाएंगे, बहुत फायदा होता है, जयराम जी बोलना पड़ेगा, करोगे ना? मैं बोलता हूं ऐसा आप बोलना, कोई कट्टर मजहबवादी हो तभी भी उसको संकोच नहीं करना चाहिए, कई मुसलमान भाई भी इसका फायदा लेते हैं, ईसाई भी फायदा लेते हैं। जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है वे उंगलियां मिला देंगे, जिससे बुढ़ापे की कमजोरी रगों में जल्दी नहीं आएगी, इस तरह उंगलियां मिला दे, एक प्रकार का आभा मंडल बनेगा, गोद में हाथ रख दे नीचे स्वाभाविक, ठीक। 45 साल से कम उम्र है वे हाथ की उंगली ऐसी और तीन उंगलियां सीधी यूं रखते, कमर सीधी, पेट अंदर, दाढ़ी यूं भी नहीं, सिर यूं भी नहीं, थोड़ी छाती की तरफ, गहरा श्वास, हरी 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 फिर से ram 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 वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ
भगवत वासुदेव हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 एक जगह पर नहीं अलग अलग हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 कैसा माल टनाटन है ना एक बार फिर और से हरि 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 ओम 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 एक जैसी पुस्तक नहीं अलग अलग दो अलग अलग हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम मांटने वाले चुप बैठ जाओ मांटने वाले चुप बैठ जाओ प्रयोग चालू है बैठ जाओ हरि 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 ओम 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 हरि 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 ओम 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 फिकर फेंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा अब जेल नहीं हमारे लिए तपस्या स्थल है
मियाँ जी दुबले क्यों? बोले सारे गांव की फिकर है, फिकर फेंक कुएं में। रोटी तो वो भी देता है और ये सरकार भी देती है। बोलो जयराम जी की। लेके तो हमारा बाप भी नहीं गया, फिर चिंता किस बात की? यार 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 यार, मैं एक बात पूछता हूँ, कोई लखपति की पत्नी हो और उसको कपड़ा ना मिले, रोटी ना मिले और फुटपाथ पे भीख मांगे तो इज्जत किसकी जाएगी? लखपति की जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? इतने अपराधी हैं, फलाना है, ढींगना है, जो भी कायदे के अनुसार हो, जेल में फिर भी रोटी मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना। अरे रोटी तो मिलती है, साथ साथ में सत्संग भी मिल रहा है, ये कैसी भगवान की कृपा है। फिर उस पे उसको प्यार करके हंसे तो अपने बाप का क्या बिगड़ता है? अरे 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 चाल है, ठीक है तो मारूंगा फिर। बढ़िया है, बोलो ठीक है तो क्या? मजूर की नहीं बोलते, ठीक है। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। हरि 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 ओम, 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 राम 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 राम, शिव 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 शिव, अल्लाह 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 अल्लाह, हरि 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 ओम 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 ओम। देख लो पड़ोस में कोई कोई पड़ोस में भप्पू बनाकर बैठा ना, तो यूं कर देना तेरा। ऐसा कोई भी नहीं है, है क्या कोई? कोई नहीं है। नारायण नारायण नारायण। फिर से आप सबको खूब खूब धन्यवाद, शाबाश। और अधिकारियों को तो भगवान की विशेष कृपा है कि ऐसा आयोजन करने में आपका मंगल चाहते हैं। जो दूसरों का मंगल करते चाहते हैं, उनका मंगल तो परिवार का भी भगवान करते। एक बार फिर से शिव जी के वचन दोहरा दो। शिव जी बोलते उनकी माता धन्य है, पिता धन्य है। शुक्ल जी, उनका कुल, शुक्ल तो ब्राह्मण होते हैं, शुक्ला जी तो शिव जी, तो ब्राह्मण लोग तो शिव जी को बहुत मानते जानते, तो ये शिव जी का श्लोक पढ़ना बोलना पड़ेगा तुमको। धन्य माता पिता धन्यो, धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। उनकी माता धन्य है। आप लोग सुन रहे हैं सब लोग? तपस्या स्थली वाले, मैं तुम कैदी नहीं बोल रहा हूँ, तपस्या स्थली वाले बोल रहा हूँ। जय राम जी की। आप अपने मन से खाते पीते, थोड़ी जो मिलता है वही खाते, जैसे तपस्वी खाते, ऐसा है कि नहीं है? आज फलानी सब्जी बनाओ, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, सारे मन के नखरे मिट गए कि नहीं मिट गए? आज ये पहनूंगा, आज इधर घूमाऊंगा, उधर घूमूंगा, इसको बुलाऊंगा, उसको मिलूंगा, उसको ठीक करूंगा, ये सारा झंझट चला गया कि नहीं? तपस्वी जीवन है कि नहीं?
तो फिर तपस्या कर रहे कि नहीं कर रहे? ऐसा मत सोचना हाय रे हाय हम तो जेल भोग रहे, हाय रे हाय हम जेल भोग रहे। आज के दिन हम तपस्या कर रहे तो तपस्या का फल मिलेगा, हाँ पक्की बात है। बोलोगे ना हम तपस्या कर रहे हैं तो सुबह सुबह उठ के थोड़ा भगवान का नाम अल्लाह वाले अल्लाह का नाम लेके अरे 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 हो जाएगा तपस्या का दिन। जेल में कोई काम काज है कि नहीं है? हाँ तो वो काम काज दिल लगा के करना है, वो काम भी भक्ति बन जाता है। अपने लिए थोड़े कर रहे हैं, समाज के देवता के लिए कर रहे हैं। दिल लगा के करो तत्परता से, वो काम भी पूजा हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक बूढ़ा आदमी था, खीरनी का पौधा लगा रहा था। बोले बूढ़ा 80 साल का हो गया, अब कल मरेगा ये क्या करता है? बोले किसी ने पौधा लगाया, पेड़ हुआ तो हमें छाया मिली, फल मिला। हम भी करते तो किसी को तो मिलेगा, भगवान तो जानता है। इसलिए कर्म करने में जी क्यों चुराना, तत्परता से काम करना और तपस्या करके बाहर जाकर नाम करना कि हम फलानी तपस्या स्थली से आ रहे हैं। हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो नहीं बोलता हरि ओम कर देना। हाँ हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम 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 हरि ओम। फिर से आप सबको खूब धन्यवाद। जय जय बोल के छांटा पानी लगा देते। जय फिर आप बटवा लेना अपने ढंग से। हमें आपके फूल माला नहीं, आपका फल फूट नहीं, आपका दिल चाहिए था। तू तेरा दिल दे दे मैं अमृत की वर्षा कर दूं, तू तेरा ईगो दे दे मैं भगवान का रस भर दूं। जय जय। एक शायरी की कहावत पक्की कर लो, जिंदगी के बोझ को बोलो, जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कराना चाहिए। अब रो रो के मत जीना, मुस्कराते हुए तपस्या कर लेना। हाँ ठीक है ना? नारायण।